हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगा। ये वीडियो एंड तक देखना। अगर आप लोकेशन देख के समझ गए हो मैं माथेरान में हूँ, तो अगर आपको जानना है माथेरान आना कैसे है इजीली, माथेरान में होटल्स कौन से चूज़ करने हैं, प्राइसिंग क्या होगी होटल्स की और पॉइंट्स कौन से घूमने हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और हाँ, एक ट्रेजेडी भी हुई थी आते वक्त, तो वो भी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप सैटरडे संडे आने का प्लान कर रहे हो तो। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि माथेरान आना कैसे है। तो माथेरान आने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे है ट्रेन से आना। ट्रेन से अगर आ रहे हो तो जैसे मैं रहता हूँ वेस्टर्न लाइन में, तो दादर आते हैं। आप कहीं भी मुंबई में रहते हो अगर कुछ नहीं समझ रहे तो दादर स्टेशन आ जाओ, और दादर से आपको मिलेगी करजत या खोपोली की ट्रेन। लोकल ट्रेन पकड़नी है करजत या खोपोली की, और आपको उतरना है नेरल स्टेशन। अभी मेरे को यार लेट हो गया था, तो मैंने दोपहर की कुछ 258 की ट्रेन पकड़ी थी, लोकल ट्रेन दादर से, जिसने मुझे 4:30 बजे छोड़ा था नेरल। और फिर नेरल से आपको मिलेगी टैक्सी। नेरल से टॉय ट्रेन भी चलती है, लेकिन टॉय ट्रेन का कैसा है, अभी बारिश बंद है तो वो बेटर है यार, क्योंकि बहुत रिस्की होता है बारिश के घाट्स एंड ऑल। तो बारिश में टॉय ट्रेन बंद है। आप नेरल स्टेशन से बाहर आएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगी टैक्सी स्टैंड। आपको बहुत से लोग मिलेंगे, टैक्सी चाहिए क्या, 2 लोग हैं 4 लोग हैं, तो मत उनसे बात करो, क्योंकि वो लोग टैक्सी के बहाने आपसे बात स्टार्ट करते हैं सिर्फ आपको होटल रूम्स दिखाने के लिए। वहीं से आपको होटल बुक वुक करवा के भेज देंगे। इसलिए अगर आपको बुकिंग करनी है होटल्स, आपको अच्छा लगता है ऐसे करना, तो आप वो भी कर सकते हो। बट यहाँ आके, माथेरान आके, आपको होटल्स वगैरह की जानकारी तो मैं देने ही वाला हूँ कि कहाँ आप देख सकते हो, तो वीडियो पूरा देखते रहो। एनीवेज, बात करते हैं नेरल स्टेशन से। जब आप बाहर आएंगे तो आप जाएंगे टैक्सी स्टैंड, सीधा आपको बाहर निकल के राइट लेना है और सीधा जाना है टैक्सी स्टैंड, आपको मिल जाएगा। वहाँ से 100-100 रुपये में वो लोग बिठाते हैं और 100 रुपये में आपको नेरल छोड़ेंगे। अब सीन ऐसा हो गया ना यार कि मैं आया था संडे, और संडे आते आते इवनिंग हो गई। अब मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आते हैं सैटरडे और संडे इवनिंग निकलते हैं। यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम था, इतने लोग थे, कम से कम 10-15 हज़ार लोग होंगे, और गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ी भी अलग, टैक्सी अलग, कि बहुत घाट पे जाम वाम हो गया था। एंड हमारे टैक्सी वाले ने हम लोगों को बीच रास्ते घाट पे उतार दिया, 1.5 किलोमीटर पहले घाट पे। आप समझ रहे हो, 1.5 किलोमीटर स्टीप चढ़ाई चढ़ के चल के आना पड़ा, क्योंकि टैक्सी वाले ने बोला कि मैं पहले ये जो आ रहे हैं लोग इनको स्टेशन छोड़ के आता हूँ, क्योंकि उसको लालच दिख गई, इतने लोग पैदल चल के जा आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर टैक्सी थी नहीं तो वो नीचे पैदल चल के आ रहे हैं। तो 10-10, 15-15 लोगों को टैक्सी वाले बिठा के, जिसमें 6 लोग बैठते हैं, 15-15 लोगों को बिठा के वो लोग स्टेशन छोड़ रहे थे। पर पर्सन 100 रुपया, तो वो मेरे 200 रुपये के चक्कर में क्यों रुकेगा। उसने हम लोगों को वहाँ उतारा कि मैं आता हूँ इन लोगों को छोड़ के, और हम लोग वहाँ पर 45 मिनट्स वेट किए। 45 मिनट से ज़्यादा ही हो गया था और अंधेरा होने लगा था, लगभग 7 बज गए थे। तो मैंने सोचा चलो अपन पैदल चल के ही जाते हैं, और 1.5 किलोमीटर हम लोग घाट पे पैदल चल के दस्तूरी कार पॉइंट आए। एंड फिर दस्तूरी कार पॉइंट आते आते बहुत अंधेरा हो गया था। सबसे पहले तो वहाँ पे मैंने मस्त भजिए खाए, बटाटा भज्जी मिली, मस्त 2 प्लेट बटाटा भज्जी खाई, चाय पी, और फिर पैदल चल के आए। इतना अंधेरा हो गया था ना कि कुछ शूट करने का मतलब ही नहीं था एकदम। आप समझ रहे हो, माथेरान हिल स्टेशन है, यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रीट लाइट्स बहुत सारी नहीं होती, अंधेरा था। चल के आए, और जैसे ही मैं आया और मैंने अपने होटल को देखा ना, मैं बोला ओ माई गॉड, बस अब जाके पैर फैला के लेटूंगा और बिग बॉस देखूंगा। एनीवेज गाइस, तो ये थी अपनी जर्नी। इतना थक गया था ना कल पैदल चल के आने में कि आई डोंट नो आज मैं सारे पॉइंट्स कवर कर पाऊंगा कि नहीं। बट देखिए, हम आते हैं हिल स्टेशन या कहीं पे भी आराम करने, एंजॉय करने, अच्छा अच्छा कुछ खाने, अच्छे होटल में रुकने, और साथ ही साथ पॉइंट्स भी घूमने मिल जाए तो क्या बात है ना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो सुबह हो चुकी है और मैं निकल चुका हूँ अभी पॉइंट्स विजिट करने। पीछे रहा अपना होटल, काफ़ी मस्त होटल है, क्लीन होटल है, रूम्स वगैरह सब चीज़ें बताऊँगा, बस वीडियो देखते रहिए। अभी फिलहाल निकलते हैं पॉइंट्स विजिट करते हैं, क्योंकि नाश्ता भी करना है, बहुत भूख लगी है। तो ये रहा माथेरान मार्केट, इस तरफ है रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर अपना होटल, और इस तरफ अपन जाएंगे पॉइंट्स विजिट करने। चलो, ये रहा होटल मेजबानी, वेज नॉन वेज। यहाँ पे मैंने कल अपना रात में डिनर किया, काफ़ी अच्छा खाना था एंड रीजनेबल प्राइस है। चिक्की विक्की खरीदना है तो सेम लाइक लोनावला एंड ऑल, आप चिक्की वगैरह खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है यार ये मार्केट, मतलब समथिंग डिफरेंट ना, नो ऑटोमोबाइल्स, कोई व्हीकल नहीं, कुछ नहीं, बस घोड़ों की पूप और
मार्केट केतकर होटल में हो गया है नाश्ता करके। एंड आप भी अगर आ रहे हैं, सादा सिंपल खाना है, वड़ा पाव खाना है, मिसल पाव खाना है, या फिर जैसे मेरी तरह इडली वड़ा खाना है, तो ऐसे सब डिसेंट होटल्स हैं। देखते कहाँ तक जा पाते हैं वैसे, क्योंकि कल जो ट्रेजेडी हुई है ना, उसके बाद पैर चमक रहा है यार, मतलब एक पैर ना बहुत दुख रहा है। पहले इतने होटल्स नहीं थे यार, अभी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हो गए। खैर ये सब तो पुराने हैं, बट पीछे भी, और इनफैक्ट आप देखोगे ना माथेरान स्टेशन जहाँ स्टार्ट होता है वहीं पे था पहले मार्केट, अभी तो उसके पहले से उस तरफ भी शॉप्स खुल गए, तो इस काइंड ऑफ एक्सटेंडेड माथेरान मार्केट यू कैन से। तो ये नौरोजी गार्डन है, मार्केट में ही है, और उस गार्डन के अंदर ही यहाँ पे माधव जी पॉइंट है, तो वो पॉइंट देख के आते हैं। ये रहा माधव जी पॉइंट, और जब मैं मॉर्निंग में उठा था ना अराउंड 8:30 बजे, तो काफ़ी फॉग था, तो मैं जान मुझ के ना ऐसे जल्दी नहीं निकला, बिकॉज फॉग रहता तो पॉइंट्स पे व्यू के मज़े नहीं आते। थोड़ा लेट निकले और थोड़ा आलस भी आ रहा था यार, पैर दर्द भी था। वहाँ पे ना मुझे दिख रहा है आई थिंक, क्योंकि मैंने ट्रैक किया है बहुत पहले, वो शायद गार्बेट प्लेटू है आई थिंक, नॉट श्योर, बट बहुत ऐसा लग रहा है मेरे को कि वही है, क्योंकि वहाँ से हम लोग पूरा ट्रैक करके उस कॉर्नर पे गए थे। अगर खुद चल नहीं पाते तो घोड़े हैं, हाथ गाड़ी है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ये होटल कुमार प्लाजा, देन ये अडामो, ये सब जो होटल्स हैं ना काफ़ी अच्छे हैं, बजट अगर अच्छा खासा है तो आ सकते हो यार, मज़ा आएगा मगर रहने को। ऑलराइट, ये रहा मार्केट का एंड, और एंड में आप आएंगे तो एक और पॉइंट मिलेगा, खंडाला पॉइंट। मैं सजेस्ट करूँगा यार, अगर ज़्यादा चलना नहीं है और बस अच्छा वेदर एंजॉय करना है, पार्टी करनी है और बस आना है, रुकना है, स्टे करना है, तो आप इधर ही आ जाओ। ये देखो मार्केट एंड होता है, उसके बाद ही ये खंडाला पॉइंट है, ये एक दो पॉइंट घूम लो, ज़्यादा अंदर दूर जाने की ज़रूरत नहीं। एनीवेज चलो पहले ये खंडाला पॉइंट दिखाता हूँ और मैं भी देखता हूँ। मैं आया था ना यार यहाँ पे, तो काफ़ी कच्चे रास्ते पे, उबड़ खाबड़, अभी तो पूरा रेलिंग्स के साथ देखो ना साइड साइड में, और एकदम बना दिया है प्रॉपर, एकदम आके आप बैठ सकते हो, इनफैक्ट इवन खाने वाने के लिए पॉइंट बना दिया, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे, यू वॉन्ट सी एनीथिंग लाइक दिस। नाइस मैन यार, बेस्ट व्यू है यहाँ से तो, कितने सारे वाटरफॉल्स दिख रहे देखो यार। मैं ये खंडाला पॉइंट स्किप करने वाला था, बट अच्छा हुआ नहीं क्या, क्योंकि काफ़ी अच्छा बना तो दिया है वो तो ठीक है, बट काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। सही बात है, तो ये दो रास्ते हैं, आप राइट से भी जाएंगे तो आपको एको पॉइंट, फिर लुइजा पॉइंट, पुलिस स्टेशन जाना है, हनीमून पॉइंट, मलंग पॉइंट है, लेफ्ट से जाएंगे तो शार्लेट लेक आता है और बाकी सारे पॉइंट्स भी आएंगे। अपन लेफ्ट से जाएंगे क्योंकि अपने को वहाँ पे एक मंदिर भी है, देखते हैं वो भी विजिट कर लेंगे। ये रास्ते से मैं चल के क्यों आता हूँ पता है, क्योंकि ये रास्ते से चल के आओगे ना तो आपको मंदिर देखने मिलता है, चर्च भी है एक, और फिर उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल है, और फिर उसके बाद यहाँ पे उषा एस्कॉर्ट होटल है जो मुझे बहुत पसंद है यार। मतलब ऐसा है मेरे को कि कभी माथेरान आना है ना तो मैं उषा एस्कॉर्ट में रुकूँगा, जब अपने पास काफ़ी अच्छी खासी रकम होगी बुक करने के लिए। अनदर गुड होटल टू स्टे। तो लास्ट टाइम भी अपन ये शिव मंदिर आए थे, अभी फिर जाते हैं शिव जी के दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आंगन में तुलसी लगी है, हवन कुंड है, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हो गए दर्शन करके, बहुत ही मस्त मंदिर है, शांति रहती है एकदम, आके ना आप बैठ भी सकते हो एक एक दो दो घंटा अगर आके बस बैठना है तो। रही शार्लेट लेक आई थिंक, पता नहीं क्या ये अजीब सी आवाज है। चलो शार्लेट लेक के पास पहुंच चुके हैं अपन,
बस इन झाड़ों के पीछे है लेक। एक्चुअली ये पूरी शार्लेट लेक ही है, बट द पॉइंट वेयर वी कैन सिट, वी कैन ईट, वी कैन ड्रिंक टी और वी कैन एन्जॉय, वी कैन चिलैक्स, वो सब आगे है। भाई हालत ख़राब है पैर की, भाई मेरे को लग रहा है शार्लेट लेक से ही मैं रिटर्न जाता हूँ। आप लोगों को अगर घूमना हो तो मैं बोलूँगा एको पॉइंट भी एक है जहाँ पे आप आ सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू होता है वहाँ से भी। देखते हैं अभी शार्लेट लेक पहुँचते पहुँचते पैर में और चमक बढ़ गई है। चार्लेट लेक है रे, चार्लेट लेक, शार्लेट लेक। एक ये भी भोलेनाथ का मंदिर है, श्री पीसरनाथ मंदिर। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम अपन इधर पे ही नाश्ता किए थे, आज अपन नाश्ता कर चुके हैं तो अपन सीधे जाते हैं लेक के पास। यार सबसे अच्छी बात क्या हो गई पता है कि बारिश बहुत रिमझिम है या तो है ही नहीं समझो, तो अच्छा लग रहा है। तो ये यहाँ पे है लॉर्ड पॉइंट और यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीस्कोप रखा होगा और वहाँ से आपको प्रबलगढ़ फोर्ट जो बाघ दरवाजा है, लुइजा पॉइंट, कलावंती दुर्ग, वो सब पॉइंट्स आपको वहाँ से देखने मिलेंगे। मोरबे डैम, मानिकगढ़ वगैरह भी दिखता है अगर आप टेलीस्कोप वगैरह से देखेंगे। शार्लेट लेक गाइस, जंप करने का मन कर रहा है। आपको तो पता है मैं कितना बड़ा पौड़ाकू हूँ, पौड़ाकू या तैराकू जो भी बोलते हैं, आपको तो पता है ना, देखा होगा ना मेरे 50-60 वीडियो में मैं कितना अच्छा स्विमिंग करता हूँ। यार जब से लॉर्ड पुनीत को देखा है ना बिग बॉस में, बस ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने का मन कर रहा है। क्या क्या इम्प्रेशन, क्या क्या सिखा के गया है वो लोगों को, मौत का खेल दिखाने का मन कर रहेगा गाइस। आज मंडे है गाइस, फिर भी लोग हैं। सैटरडे संडे आप मत आओ, मैं तो बोलूँगा अगर आना है तो। वाह, जाऊँ क्या यहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा पानी है पिछले बार से। यार ये ऊपर से शार्लेट लेक के पानी गिर रहा है और ये वाटरफॉल टाइप बन रहा है, देख के मन तो इतना कर रहा है जाने का कि बस जाऊँ कूदूँ नहा लूँ, यार लेट मी डिसाइड, डिसाइड नहीं कर पा रहा। गाइस फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि यार जाऊँगा अभी तो निकलना भी है, बात वो नहीं है, एन्जॉय करना है, टाइम पास करना है। अभी कैसा यहाँ चले जाऊँगा फिर पूरा भीग के आधा घंटा चल के बाहर भी जाना है और ऑलरेडी पैर की लगी पड़ी, अगर फिसल विसल गया तो वो रिस्क है। तो समझदारी दिखाते हुए, मन कितना भी करे, मन को मारते हुए मैं नहीं जाऊँगा। तुम लोग एन्जॉय कर लो ठीक है, और आप लोग आओ तो जाना, बट अगर ज़्यादा पानी है तो मत जाना क्योंकि अभी बारिश नहीं है, बारिश होगी तो शायद पानी बढ़ भी सकता है। और ये पानी सीधा जा रहा है सिल्विया पॉइंट पे, तो वहाँ भी अभी चलते हैं अपन। तो गाइज ये रहा सिल्विया पॉइंट मेरे पीछे और अच्छा है बैरिकेड्स वगैरह लगा दिया, बिकॉज पहले मैंने देखा है डफर लोग वहाँ कॉर्नर पर जाके और फोटो खींचते थे एकदम पहाड़ के एंड में रह के, तो बहुत अच्छा किया है वो पूरा पॉइंट सील कर दिया है। एंड अभी वो वहाँ से पानी आ रहा है शार्लेट लेक से, तो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है। आप लोग भी आओ तो यहाँ से देख सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, बट डोंट गो एकदम कॉर्नर में, नहीं तो इट्स नॉट सेफ यार। चलो भाई तो सिल्विया पॉइंट शार्लेट लेक दिखा के हो गया, अभी अपन जा रहे हैं आगे। और आप लोग यहाँ आ रहे हो, अगर चलना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो घोड़ा वगैरह कर सकते हो और आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर दूसरा वाला रास्ता लेंगे सब पॉइंट्स आने को, तो अभी रिटर्न जाने के लिए बहुत स्टीप है ये रास्ता, बहुत स्टीप है, हालत टाइट हो रही है, बट मैं जा रहा हूँ चल चल के। ऑलराइट गाइस, तो ये है मार्केट का नज़ारा। मैं ये अलंकार में अभी मेरा राइस खा के हो गया है, फ्राइड राइस। और बस ये मार्केट बता देता हूँ आपको कि आपको कुछ भी खाना पीना है ना तो नॉन वेज वेज आपको सब मिल जाएगा यहीं पर, सारे रेस्टोरेंट से लाइन से, ठीक है। ड्रिंक्स वगैरह के लिए बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो ये है एक प्रमोद बार करके, यहीं पे आपको पार्सल भी मिलेगा 20-30 रुपए एक्स्ट्रा देके। और तो क्योंकि मेरे को आज तक कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं है, तो आई थिंक वाइन शॉप वगैरह है नहीं, तो आपको जो भी है यहाँ से आप पार्सल ले सकते हो। सब घूम फिर के माथेरान आ चुका हूँ मैं अपने होटल में, सनराइज गेस्ट हाउस। बहुत ही क्लीन, बहुत ही मस्त रहता है यार इनके रूम्स, और सर्विस काफ़ी अच्छी है। चलो मैं आपको रूम टूर देता हूँ और फिर निकलते हैं और आपको बाकी ऑप्शंस भी बताता हूँ होटल्स के। तो अब आ गया अपना होटल वाला सेगमेंट।
ओके गाइस, सो चेकआउट करके हो गया है और अब अपन निकल रहे हैं अपनी मंजिल के लिए। सीन क्या हो गया पता है, 3:15 बज रहे हैं और यहाँ से टॉय ट्रेन जा चुके हैं। मैंने सोचा था पहली बार माथेरान में टॉय ट्रेन का भी मज़ा ले लेंगे। मज़ा क्या, पैर दुख रहा है इसलिए मैं सोचा नीचे उतरने के लिए टॉय ट्रेन ले लूँगा, लेकिन टॉय ट्रेन जा चुकी है और अब नेक्स्ट टॉय ट्रेन है 5:20 की। इतना देर तो मैं नहीं रुक सकता 5:20 तक, तो धीरे धीरे पैदल चल के ही उतरते हैं। चलो फिर अभी आपको मैं होटल्स के बारे में बता देता हूँ। जो होटल में मैं रुका था, देखो ये आगे माथेरान स्टेशन है, आप स्टेशन के पीछे आएंगे ना तो बस ये स्टेशन के पीछे साइड ही है। तो ये होटल की प्राइसिंग कुछ 1000 रुपये कपल का वीकडे में, और वीकेंड में लगभग 2000 होता है। कॉल करके एक बार पता कर लो होटल की प्राइसिंग ज़ुबैर भाई से, बिकॉज कैसा है उनके पास 5 ही रूम रहते हैं, तो डिमांड वगैरह के हिसाब से अभी आप समझ रहे हो कम ज़्यादा जो भी होगा वैसा रहेगा। तो कॉल करके पूछ लो, हो सकता है कम में भी मिल जाए अगर डिमांड ना हो इतनी। तो ये माथेरान रेलवे स्टेशन के पीछे साइड अपने ज़ुबैर भाई का होटल है जो मैंने आपको बताया। यहीं पे पहले देखोगे ना तो साइड में ऐसे लाइन से ये आपको सस्ते में रूम्स मिल जाएंगे, मतलब जैसे कपल्स के लिए 1000 रुपये 800 रुपये भाव करा सकोगे तो 800 तक भी मिल जाएगा। और वीकेंड पे तो मैं भाई बोलूँगा आप आओ ही मत, बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, और अगर पैसे बहुत अच्छे खासे हैं होटल को देने को और बहुत स्ट्रेंथ स्टैमिना है तो ही आओ। तो ये यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बार 3-4 साल पहले कोविड के पहले 800-1000 रुपये में रुका हूँ, अभी तो 1.5 से 2000 हो गए होंगे, और वीक एंड पे तो 3000-4000 कुछ भी डिमांड करेंगे आप देख लो। ऑनलाइन भी गो आईबीबो वगैरह पे यू कैन ट्राई। बाकी मैंने बहुत से अच्छे अच्छे होटल्स देखे हैं जो महंगे वाले होंगे 5000-7000-10000, जैसे उषा एस्कॉट हो गया, एडामो हो गया, कुमार पैलेस हो गया, और द बाइक हो गया। तो ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं, अगर आपको अच्छे से आके स्टे करना है, होटल्स का एक्सपीरियंस अच्छा लेना है तो वो वाले बुक कर सकते हो गो आईबीबो वगैरह पे चेक करके। क्योंकि अपनी टॉय ट्रेन जा चुकी है तो अपने को पकड़ना ही है ट्रैक लंगड़ लंगड़ के ही सही, बट जाना है नीचे क्योंकि फिर अपने को नीरल से ट्रेन पकड़नी है।